उधर उत्तराखंड सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत के घर पर गोली चलने से कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। हरक सिंह रावत ने देहरादून में विधानसभा के सत्र से पहले कांग्रेसी विधायकों और मंत्रियों को दावत दी थी। इस दावत में कांग्रेस के बाहुबली विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन भी पहुंचे थे। विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने दावत के दौरान ही हवाई फायरिंग कर दी, लेकिन गोली चलने से वहां मौजूद दो लोग घायल हो गए। उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको हम पार्टी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अस्पताल में जिन दो लोगों को भर्ती कराया गया है कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बताए जा रहे हैं। बहरहाल पूरे मामले की जांच भी जारी है। बाहुबली विधायक माने जाते हैं कुंवर प्रणव चैंपियन, जिन्होंने दावत के दौरान हवाई फायरिंग कर दी थी और इस हवाई फायरिंग की चपेट में दो लोग आ गए जो पूरी तरह से जख्मी हुए हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं हरक सिंह रावत, जिनके घर पर गोली चलने से कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल हो गए। हरक सिंह रावत ने देहरादून में विधानसभा के सत्र से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, विधायकों और मंत्रियों को दावत दी थी, लेकिन उसी दौरान अचानक से ही बाहुबली विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन भी पहुंच गए और हवाई फायरिंग कर दी, जिसकी चपेट में दो लोग आ गए और उसके बाद वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं मनमोहन भट्ट ज्यादा जानकारी लेकर। मनमोहन, ये बताइए कि जो दो लोग घायल हुए हैं उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए चित्रा, जो ये पार्टी चल रही थी उसमें जो गोली चली है, सबसे पहले मैं बताऊं, दो लोग रविंद्र सैनी और विवेकानंद खंडूरी, दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गोली इनको लगी है। रविंद्र सैनी को थोड़ा सा कम चोटें आई थी, थोड़ा सा कम घायल हुए थे, इसलिए उनको तुरंत छुट्टी दे दी गई थी थोड़ा सा प्राथमिक उपचार के बाद। लेकिन जो विवेकानंद खंडूरी हैं उनका अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और कई लोग उनको देखने के लिए पहुंचे हैं। विपक्ष जो है आज सदन में, आज से विधानसभा सत्र शुरू होना है, इस मुद्दे को और उठाने की कोशिश कर रहा है। तो पार्टी जो है हाई प्रोफाइल पार्टी थी, विधानसभा सत्र से पहले तमाम मंत्री और तमाम विधायक कांग्रेस पार्टी के इस हाई प्रोफाइल दावत में शामिल थे और दावत के बीच में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जिनका पुराना इतिहास भी थोड़ा दबंगई जैसा है, वो वहां पहुंचे अपने समर्थकों के साथ और उन्होंने खटाखट चार राउंड फायरिंग की। दो राउंड बच गए, लेकिन दो राउंड फायरिंग जो है लोगों को लगे। इसमें मैं बताऊं, विधानसभा अध्यक्ष और आपदा प्रबंधन मंत्री यशपाल आर्या, ये दोनों इस घटनाक्रम में बाल बाल बचे हैं। बिल्कुल, अब सवाल बड़ा ये उठता है कि इस हवाई फायरिंग की सजा उन्हें क्या किस तरह से दी जाएगी, क्योंकि एक बाहुबली विधायक की ओर से इस तरह से फायरिंग किया जाना और दो लोग इसकी चपेट में आ गए, वास्तव में ये बड़ा मामला है। बहरहाल पूरे मामले की जांच भी जारी है। खबरों में आगे